श्रेय अब आपको भगवान विष्णु तथा शिव शंकर से भी अनुरोध करना हो। आपका आदेश है तो अवश्य करेंगे हम उनसे अनुरोध, किंतु परमपिता, आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, इसीलिए हम पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाने में आप हमारा नेतृत्व करें। हमारे नेतृत्व करने से यदि आपको यह विश्वास होता है कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं तो हम अवश्य नेतृत्व करेंगे। महिषासुर देवताओं पर आक्रमण की तैयारियां करें, इसके पहले देवताओं को अपनी रक्षा की तैयारियां कर लेनी होंगी। महाबली शंबरासुर की जय, दानव वीर शंबरासुर की जय, महाबली शंबरासुर की जय। आओ असुर वीर, आओ, तुम्हारा स्वागत है। हमारे एक ही आह्वान पर तुम हमारे पास चले आए, हम प्रसन्न और उपकृत हुए। आओ असुरवीर सम्रासुर, मैं तुम्हारा परिचय अपने सेनापति और योद्धाओं से कराता हूँ। आओ, ये है हमारे सेनापति असिलोमा, महान योद्धा और साहसी वीर असिलोमा। आओ, ये है हमारे कुशल राजनीतिज्ञ वीर चिछुर। चिछुर, ये है हमारे महान योद्धा विडाल। विडाल, आइए। और ये है हमारे योद्धा उधर। उधर, हम प्रसन्न हुए। आइए मित्र। बैठिए। दानव सम्राट महिषासुर, आपका उत्थान देखकर हमारा मन अति प्रसन्न हुआ। आपने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का जो विचार किया है, वो समाचार भी हमें मिल चुका है। आप तुरंत स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की तैयारी करें, हम सब आपके साथ हैं। देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक को अपने अधिकार में कर लें और अपने पूर्वजों की भांति स्वर्ग लोक के सिंहासन की शोभा बढ़ाएं। समस्त दानव जाति आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत है। हम तो उसी की तैयारी कर रहे हैं असुरवीर। अब आप आ गए हैं तो आपकी प्रेरणा से हमारा कार्य सरल हो जाएगा। होना ही चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये है हमारी चमत्कारी गदा। इस गदा को हाथ में लेते ही आप असंख्य रूप में शत्रुओं के सामने प्रकट हो सकेंगे। अर्थात जब आप इस गदा को लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे तो अपने शत्रुओं के सम्मुख एक नहीं अनेक महिषासुर प्रकट होंगे। फिर वो किस किस पे प्रहार करेगा और जिस पर वो प्रहार कर रहा है वो मूल रूप से महिषासुर होगा भी अथवा नहीं, भ्रमित हो जाएगा वो। असुरवीर, हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ये गदा तुम्हें भूलने ही नहीं देगी। दानवराज, मेरा पूरा विश्वास है कि इस गदा के साथ आप अकेले ही समस्त शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। इस पर भी यदि मेरी आवश्यकता हुई तो आपके केवल एक आह्वान पर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ जाऊंगा। फिर देखना कैसे देवगण भागे भागे फिरते हैं। ये लो हमारी चमत्कारी गदा। असुरवीर, आपकी अद्भुत भेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पधारे ब्रह्मदेव, वैकुंठ लोक में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे सहायता की याचना करने आए हैं श्री हरि विष्णु। दानवों का उत्पात पुनः आरंभ हो गया है श्री हरि। वो तो महिषासुर के प्रकट होते ही देव दानव युद्ध की संभावनाएं भी प्रकट हो गई थीं। ब्रह्मदेव के वरदान से ये परिणाम तो स्वाभाविक ही था। स्थिति जो भी है आपके सामने है। दानव फिर से उग्र होने लगे, इसलिए देवराज ने हमें आपके पास आने को विवश किया। इनकी सुरक्षा का उपाय सोचना ही होगा। श्री हरि, महिषासुर ने पृथ्वी लोक पर तो अपना एक क्षत्र राज स्थापित कर ही लिया है,
यहाँ तक कि ऋषि मुनियों को भी अपने अधीन बनाकर हमारा यज्ञ भाग भी छीन चुका है। अब तो पृथ्वी लोक से देवताओं का वर्चस्व ही समाप्त हो गया है। देवराज, इस समय आपको पृथ्वी लोक की चिंता का त्याग कर स्वर्ग लोक की चिंता करनी चाहिए। हम उसी के निमित्त तो आपके समक्ष आए हैं श्रीहरि। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है श्रीहरि कि त्रिदेव मिलकर हमारी सहायता करें। त्रिदेव में से दो तो यहाँ है और देवताओं की सहायता के लिए प्रयत्नशील भी है। शेष रहते हैं भगवान शिव, तो उनके मार्गदर्शन और सहायता के बिना हमारा सुरक्षा अभियान आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उन्हीं के पास चलना होगा। दानव वीरों, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करके अभिमानी इंद्र और उसके साथी देवताओं को अपना दास बनाना है। हमारे वरदानी सिद्धि के बल पर आप सब हमारे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें किसी भी स्थिति में स्वर्ग पर अधिकार करना है। स्वर्ग से देवताओं को बहिष्कृत करना है। जय दानवराज महिषासुर की जय। दानी दानव महिषासुर सेना सहित स्वर्गलोक की ओर प्रयाण कर चुका है, अर्थात अब संघर्ष आरंभ होने में अधिक समय नहीं है। देवराज, 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 ये दानव तो अति भयंकर है। उस महिषासुर के प्रहार से हम बाल बाल बच गए। उसकी शक्ति अपरिमित है। वो अपनी इच्छा मात्र से जितने चाहे उतने रूप बना सकता है। उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अब वो अपनी सेना सहित स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। शीघ्र ही कुछ उपाय करें देवराज। हाँ देवराज, सुरक्षा का उपाय तो करना ही होगा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। देखें भोलेनाथ, देखें, वो दुष्ट स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। आप त्रिदेव हमारी सहायता करें और उस दुष्ट को स्वर्ग की ओर बढ़ने से रोकें। देवराज, महिषासुर को इस समय रोकना असंभव है। भोलेनाथ, क्या आप त्रिदेवों के होते हुए वो दुष्ट मनमानी करेगा? क्या वो दुष्ट हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा? महादेव, देवराज की प्रार्थना पर ध्यान देना। हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य इस समय ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की सीमा में
बंध चुका है और उस सीमा का उल्लंघन करना ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना हो। आप सत्य कह रहे हैं शिवशंकर। देवराज, महिषासुर की सेना स्वर्ग की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपके हित में यही उचित होगा कि आप उसे पूर्ण शक्ति से रोकें। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। श्यामला पुत्र महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। यही ठहर जा दुष्ट महिषासुर। देवताओं की शक्ति अभी तूने देखी नहीं है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो लौट जा पाताल लोक को। दैत्य शक्ति की आंधी के सामने तुम देवता तिनकों की तरह उड़ जाओगे। यदि शक्ति होती तो तुम्हारे शुभचिंतक ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आक्रमण को रोकने के प्रयास से मुंह ना मोड़ते। कहां गए वो तीनों? तुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वर्ग पर देवताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार? अधिकार उसी का होता है जिसकी बाहों में बल होता है। व्यर्थ प्रलाप न कर, हट जा हमारे सामने से, अन्यथा हमारे एक ही प्रहार से नष्ट हो जाएगा। इससे पहले भी तेरे अनेक महाशक्तिशाली पूर्वज दैत्यों ने देवताओं को नष्ट करने का प्रयास किया है महिषासुर, किंतु वो स्वयं नष्ट हो गए। अब तेरी बारी है। आक्रमण Watch it!
स्वर्ग विजयी दानवराज महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। दानवराज महिषासुर की जय। स्वर्ग विजयी महाबली महिषासुर की जय। दानव वीरों, हमारे यहाँ आने से और हमारी विजय से भयभीत होकर इंद्र, स्वर्ग के देवता, स्वर्ग महारानी शची और अप्सराएं हमारे भय से पलायन कर चुके हैं। किंतु यहाँ से भागने के बाद वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र अवश्य करेंगे, पर हमारे वीर सैनिकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र सफल न होने दिया जाए। और दानव वीरों, धरती लोक अथवा स्वर्ग लोक में कहीं भी कोई देवता दिखाई दे तो उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, हम उसे उचित दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा दानवराज। स्वर्ग विजयी महाबली महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। त्रिदेव हमारी शक्ति से परिचित हो चुके हैं, इंद्र और देवताओं की शक्ति हमसे पराजित हो चुकी है, फिर किसी अबला स्त्री का साहस कैसे हो सकता है कि वो हमें समाप्त कर सके। हम ब्रह्मा के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर देंगे। संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो महिषासुर का संहार कर सके। परिस्थिति को देखकर ऐसा आभास होता है कि दुष्ट महिषासुर का अंत अब निकट ही है। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मैं धन्य हुआ मातृशक्ति, मैं धन्य हुआ, मैं आपकी कृपा से अनुग्रहित हुआ हूँ। माताओं माताओं, अब वो समय आ गया है जब महिषासुर का वध तुरंत हो ही जाना चाहिए। संपूर्ण जगत को ये दिव्य संदेश सुना दो नारद कि त्रिदेवियों की सम्मिलित ज्योति का ये प्रकाश पुंज
शीघ्र ही जगत को प्रकाशित करेगा। अज्ञान, आतंक और अत्याचारों का अंधकार छिन्न भिन्न होगा। मातृत्व की स्नेह धारा संपूर्ण जगत को आनंद विभोर करेगी तथा दुष्ट शक्तियों का अंत होगा। ओ भोलेनाथ, माता पार्वती अचानक अदृश्य हो गई है, वे कहाँ गई हैं? भगवान, आप उनके विषय में कुछ ज्ञात करके बताएं, वे कहाँ हैं? ऐसा तो माता पार्वती कदापि अदृश्य नहीं होती हैं भोलेनाथ। प्रथम बार ही ऐसा हुआ है भोलेनाथ। बताएं भोलेनाथ, माता कहाँ हैं? चिंता करने की आवश्यकता नहीं, देवी पार्वती अदृश्य नहीं हुई है। फिर वे कहाँ हैं भोलेनाथ? उनका रूप दिव्य से दिव्यतर हो गया, समय आने पर वो तुम्हें उसी दिव्यतर रूप में दिखाई देगी। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, महिषासुर के प्रकट होने से जिस महान घटना का सूत्रपात हुआ है उससे हम सब आश्चर्यचकित हैं। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जिस सम्मिलित देवी का शक्ति रूप धारण कर चुकी है उसका फल और परिणाम जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। देवेश्वर, ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु, हम तीनों की शक्तियाँ उन त्रिदेवियों में ही निहित हैं। ये तथ्य और सत्य केवल हम ही नहीं सारा जगत जानता है। सत्य है भोलेनाथ। और अब जबकि दानवी शक्ति का प्राकट्य और विस्फोट महिषासुर के रूप में हो चुका है तो उसे और भी शक्तिशाली बनाकर चरम सीमा तक पहुंचाना आपका दायित्व है। सदा से ही ऐसा होता आ रहा है कि जब तक दानवी शक्ति अपनी चरम सीमा का स्पर्श नहीं करती तब तक उसके विनाश का उपाय नहीं होता। सृष्टि रचना का ये एक महत्वपूर्ण क्रम है। इस कार्य के संपन्न होते ही तीनों देवियों का सम्मिलित रूप क्रियाशील होकर जगत का कल्याण करेगा। हाँ भोलेश्वर, इस जगत के कल्याण के लिए दानवी शक्तियों का अंत तथा महिषासुर का वध अनिवार्य है। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय घोष से कैलाश गूंज उठा। ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा रखने के लिए शिव जी ने महिषासुर को समाप्त करने की स्वयं चेष्टा नहीं की, किंतु ये उनका प्रताप ही था कि माता पार्वती, लक्ष्मी और माता सरस्वती ज्योति में परिवर्तित हो गई। इसके फल स्वरूप भी देवराज इंद्र एवं देवगण चिंतित थे तथा यही चिंता देवराज इंद्र के सम्मुख प्रश्न चिन्ह की तरह मुंह बाए खड़ी थी। स्वामी, 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 आप मुझे स्वर्ग में अकेले छोड़कर आ गए। आपको मेरी तनिक भी चिंता नहीं है। यदि मेरे साथ कोई अघटित घट जाता तो? बंद करो अपना ये प्रलाप देवीशक्ति जी, हम तुम्हें देखते ही रहे, किंतु जब तुम दिखाई ना दी तो हमने सोचा कि अपनी सुरक्षा का विचार कर तुम स्वर्ग से पलायन कर चुकी हो। कहो क्या स्थिति है स्वर्ग की? दानवों के प्रवेश करने पर अब तक जो स्थिति रही है वही स्थिति है। महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका है। क्या करें देवीशक्ति जी, हमें भी विवश होकर पलायन करना पड़ा। मैंने अपने आप को इतना अधिक अपमानित कभी अनुभव नहीं किया देवीशक्ति जी, कभी अनुभव नहीं किया। प्रणाम देवराज। देवराज, आपत्ति काल के समय ही मित्र की मित्रता की परीक्षा होती है। आपने क्रोध के आवेश में हमें स्वर्ग से बहिष्कृत किया, किंतु संकट के इस समय हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वरदान प्राप्त करने के पश्चात महिषासुर की दानवी शक्ति
विस्फोटित हो चुकी है। अब वो दुर्भावना से भरकर सद्भावना और मैत्री भाव को भूल चुका है, इसीलिए अब तो उसको समाप्त करने में ही सबका हित है। महिषासुर की दानवी शक्ति विस्फोटित हो चुकी है, इसका ज्ञान आपको अब हुआ है? जो दानव है उसे यदि शक्ति और वरदान प्राप्त होंगे तो क्या वो सत्कर्म करेगा, पुण्य करेगा अथवा लोक कल्याण करेगा? नहीं, कदापि नहीं। वो तो स्वार्थ लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर कुकर्म ही करेगा। सत्य तो यही है। अब दानवों की चर्चा ना करके हम अपने सुरक्षा के विषय में विचार करें तो उत्तम होगा। ये प्रसन्नता और हर्ष की बात है। यक्षराज संभरण और अग्निदेव हमारे सहायता के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पक्ष में विचार कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं। अब हमें ये सोचना है कि महिषासुर को कैसे समाप्त किया जाए। परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार महिषासुर का अंत किसी स्त्री के हाथों ही होगा, और वह स्त्री माता शक्ति के विराट रूप में प्रकट होकर ही महिषासुर जैसे बलशाली वरदानी और चमत्कारी दानव को समाप्त कर सकती है। हम सबको उसी महान शक्ति का आवाहन करना चाहिए। यक्षराज संभरण और अग्निदेव के विचार हितकारी है स्वामी। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप इस सत्य को भी समझे कि त्रिदेव को परम पिता ब्रह्मा जी के वरदान की सीमाओं में रहते हुए तथा उसका सम्मान करते हुए महिषासुर के संहार के लिए महाशक्ति का आह्वान करना होगा। देवराज इंद्र, आप कैलाश चलकर त्रिदेव से प्रार्थना करें कि वे ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र संपन्न करें, ताकि आप महिषासुर के अन्याय से मुक्त हो सके। देव ऋषि का विचार उत्तम एवं हितकारी है, तो हमें ये कार्य शीघ्र ही करना होगा। ब्रह्मदेव और श्री हरि, आप दोनों के आने से अब हमारा चिंतन सरल हो जाएगा। कैसा चिंतन भोलेनाथ? हम महिषासुर को स्वर्ग प्रवेश से न रोक सकने के कारण चिंतन कर रहे थे। क्या ये विवशता हम त्रिदेवों के लिए चिंता का कारण नहीं है? भोलेनाथ, इस विवशता के मूल में मेरा महिषासुर को दिया गया वरदान एक विशेष कारण है, किंतु इसके साथ साथ एक सत्य ये भी है कि दानों का उत्थान भी शिवेच्छा से तथा सृष्टि के नियम विधान के अनुसार ही होता आया है। पहले भी दानों ने बल प्रयोग से पृथ्वी तथा स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित किया, और उनका ऐसा करना ही उनके पतन और सर्वनाश का कारण बना। फिर भी इससे पहले हम कभी इतने विवश तो नहीं हुए ब्रह्मदेव। भोलेश्वर, आप भली भांति इस सत्य से परिचित हैं कि महिषासुर का अंत अब अधिक दूर नहीं। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जिस स्त्री शक्ति द्वारा महिषासुर समाप्त होगा वो ज्योति स्वरूप में विराजित त्रिदेवियों का ही देवी स्वरूप होगा। अब हमें उनका ही आवाहन करना चाहिए। भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हम देवगण का उद्धार आपके द्वारा ही हो सकता है। आप ही उस महाशक्ति का आह्वान कर सकते हैं जो माता पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती के रूप में इसी अवसर के लिए किसी अज्ञात स्थान पर विराजमान है। हे शिव शंकर, माता पार्वती उसी आदि शक्ति का रूप है जो आदि काल में आपके साथ प्रकट हुई थी। आप त्रिदेव की अभिन्न शक्तियाँ इस समय आपके आह्वान की प्रतीक्षा कर रही हैं। भोलेनाथ, कृपया आप विलंब न करें। महिषासुर के संहार तथा जगत के उद्धार के लिए कृपया आप जगत माता जगदम्बा को शीघ्र प्रकट करें। भोलेनाथ, शीघ्र प्रकट करें। आदि शक्ति
जगदम्बा का अवतरण हो। Thank you.
करुणामयी, दयामयी, स्नेहमयी माता, हे आदिशक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति, हम पर दया करो माता, हम पर दया करो। हम सबको भयभीत करने वाले दुष्ट दानव महिषासुर का संहार करके इस जगत को दानवी संहार से, इस जगत को दानवी शक्ति के आतंक से मुक्त करो माता, मुक्त करो। जैसा अनुपम अद्भुत और अपूर्व रूप मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। मेरा नाम महिषासुर है और स्वर्गाधिपति इंद्र को परास्त कर मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका हूं। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चाहकर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सके हैं। इससे तुम्हें मेरे पराक्रमी होने का अनुमान हो गया होगा। और यदि तुम्हारा मन मुझे अजय और पराक्रमी मानता है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि आओ मेरी महारानी बनकर स्वर्ग में ही नहीं तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ भोग। तुम्हारा अट्ठहास भी तुम्हारे रूप की भांति मन को मोहने वाला है। दुर्बल मन के प्राणी भले ही तुम्हारे अट्ठहास से भयभीत हो जाएं, किंतु हम दानव जिनकी उपस्थिति मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाते हैं तुम्हारे इस अट्ठास से प्रसन्न हुए हैं। मैं तो तुम्हारे रूप से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि इंद्र को दास बनाने की इच्छा रखने वाला ये महिषासुर तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए आतुर है। मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में नत है। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार।
प्यार करो सुंदरी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे लिए ही प्रकट हुई हो सुंदरी। मेरी प्रेम याचना अस्वीकार न करना सुंदरी। नहीं। परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे अभीष्ट नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं परमात्मा पुरुष की प्रकृति हूँ। हे महिषासुर, इस समय वासना से तेरा हृदय दूषित हो रहा है, जो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। इसीलिए दानवों का जहाँ स्थाई निवास है, उस पाताल लोक में लौट जा। यहाँ तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तूने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। ऐ सुंदरी, तुम जैसी कोमलांगनी पर प्रहार करना मेरे मन को स्वीकार नहीं। यह कायरों का काम है, मुझ जैसे वीरों का नहीं। वार्तालाप और प्रेम निवेदन बहुत हुआ, अब इस पर विराम लगना चाहिए। मैं तुम पर बल प्रयोग करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ स्वर्ग लोग। इसी में तुम्हारा हित है। दृष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी। 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 अठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। मैं ओंकार सद्पुरुषों और सद्कर्मियों के साथ सद्व्यवहार करने वाला सद्कर्मी हूं, किंतु दुष्टों के लिए मैं समय का प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। जय जयकार के मध्य विजयी महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ होता है और असुरों को सावधान करता है कि वे देवताओं के षड्यंत्र के प्रति सजग रहें। और फिर त्रिदेवियां महिषासुर के संहार के लिए प्रस्तुत होती हैं। कैलाश से लौटते समय निराश नारद को त्रिदेवियों की पावन ज्योति के दर्शन होते हैं और उन्हें अपने प्रश्न के समाधान का विश्वास होता है। उधर ब्रह्मा विष्णु अपने प्रश्न के समाधान हेतु कैलाश पर अवतरित होते हैं। वरदानी शक्ति से उन्नमत
महिषासुर के पाप जब चरम सीमा को स्पर्श करने लगे तो इंद्र आदि देवगण ने अपनी प्राण रक्षा के लिए सघन वन प्रदेश में आश्रय लिया। देवर्षि नारद के परामर्श पर जब देवगण महाशक्ति माता की आराधना करने कैलाश पहुंचे तो वहां त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी, मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो, मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। दृष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है, दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को थक चुकी है, अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है, इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी। अठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। तुझ पर दया नहीं करूंगा, ले भुगत अपनी दुष्टता का परिणाम। का अंत कर दिया, किंतु अब असीलोम तेरा अंत कर देगा।
भी प्राणों का मोह है तो अपने साथियों के साथ पाताल लोक चला जा। कदापि नहीं। Thank you.
महिषासुर मर्दिनी मां काली की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। महिषासुर मर्दिनी मां काली की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। Shilata Pashan